अस्सलाम वालेकुम, आई एम तहमीना। बाय प्रोफेशन आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। 8 सितंबर पूरी दुनिया में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के हवाले से मनाया जाता है और इस दिन का असल मकसद लोगों में फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस पैदा करना है। अगर हम मेडिकल एजुकेशन एस्पेक्ट से देखें तो पूरी दुनिया में इंटर प्रोफेशनल टीम वर्क हो रहा है, कोई भी डिपार्टमेंट आइसोलेटेड काम नहीं कर रहा। इसी तरह से फिजियोथेरेपी एक ऐसा फील्ड है जो कि तमाम मेडिकल फील्ड के साथ जॉइंटली काम कर सकता है, जैसे कि फिजियोथेरेपी पीड्स में, आईसीयू में, सर्जरी में, न्यूरो में, मेडिकल में, ऑर्थोपेडिक में और इसी तरह से तमाम जितने भी मेडिकल के फील्ड्स हैं उनके साथ जॉइंटली काम कर सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि इस दिन के हवाले से हम मुख्तलिफ किस्म के सेमिनार्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स का इनेकाद करें और फिजियोथेरेपी की अवेयरनेस पैदा करें पब्लिक में, मेडिकल स्टाफ में और जितने भी मरीज़ और उनके अटेंडेंट्स हैं उन सब में, क्योंकि फिजियोथेरेपी आज के दौर की एक बहुत अहम ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सुनील जावेद, वर्किंग एज अ फिजियोथेरेपिस्ट एट एआरपीडी रिहैब सेंटर। फिजिकल थेरेपी इज अ ट्रीटमेंट और प्रोसेस इन विच द ट्रेन प्रोफेशनल्स इवैल्यूएट एंड ट्रीट द एबनॉर्मल फिजिकल फंक्शन दैट इज रिलेटेड टू इंजरी और इज देयर एनी डिसेबिलिटी। Physiotherapy can help in maintaining the physical functions and promoting physical activities. The benefits of physical therapy are so more, but some of them are like it can reduce the pain, it can increase the mobility, it can help in increase balance and coordination, it can increase range of motion and it can avoid surgery. बहुत से लोग फिजियोथेरेपी से अनअवेयर हैं, जिस जो कि मैं चाहता हूँ कि लोगों की काफ़ी अवेयरनेस इसके बारे में होनी चाहिए। अगर किसी को पेन है, बैक पेन है, सर्वाइकल पेन है, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास डायरेक्ट कंसल्ट कर सकता है, ना कि वो पेन किलर्स लेकर मजीद साइड इफेक्ट का शिकार हो। तो उसे चाहिए कि उसका परमानेंट इलाज करे, तो वो फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट ले सकता है। तो इसलिए लोगों पर अवेयरनेस की काफ़ी ज़रूरत है और हम सबको चाहिए कि हम इस मैसेज को स्प्रेड करें और हर किसी के पास ये मैसेज पहुँचे। थैंक यू। इन द एंड आई विल से हैप्पी फिजिकल थेरेपी डे टू ऑल द फिजिकल थेरेपिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। थैंक यू।